छोटे छोटे। अर्चना जी आपने अपना प्रश्न आप खुद ही पूछ लीजिए। क्या इन चार उपायों से, जो आपने चार उपाय बताए, क्या इन चार उपायों से देश परिवर्तित हो सकता है, भारत परिवर्तित हो सकता है, किस तरह से, हाउ पॉसिबल? अच्छा, मैं अब आपसे कहता हूँ कि ये कार्यक्रम मैंने आज ही चालू किया और महात्मा जी बैठे हुए हैं, हमारे स्वामी जी बैठे हुए हैं, महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं और ऐसे 8 और लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने संकल्प लिया, शपथ लिया कि हमें अपने बच्चों का अच्छा भारत है, राइट। तो मैं और 9 ये लोग मिलके आज 10 हो जाएंगे। ये 10 के 10 संकल्पित हैं, शपथकृत हैं 10-10 लोगों को जोड़ने के लिए। 9 दिन का सरल उपाय है, बिल्कुल। ये 10 लोग जो है दूसरे दिन 10-10 को जोड़ेंगे तो आप 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 100 लोग 10 को जोड़ेंगे तो 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1,00,000, छठवें दिन 7,00,000, ऐसा छठवें दिन जो है 10,00,000, सातवें दिन 1,00,000, आठवें दिन 10,00,000 और नौवें दिन 100,00,000 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब इन 100,00,000 लोगों को कुछ नहीं करना है, जब मैं कॉल करूं, चूंकि वो ऐप से जुड़े हुए हैं, तो जब मैं उनसे कहूं तो छत पर पहुंच के थाली बजाना है, दीपक जलाना है, माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करना है कि हम आपसे दोस्त वो मान रहे हैं, 2 छोटे से उपाय आप कर दीजिए, हम इस देश को बदल दें ना, हम आपकी राजनीति में पड़ेंगे, आप घटिया राजनीति करते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं केवल 2 जो छोटे से उपाय माननीय नरेंद्र मोदी से मांग रहा हूँ वो है कि आप एक पद का निर्माण करिए जिसका नाम है नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत, या एक बोर्ड बना दीजिए, राइट। और उस बोर्ड का काम रहेगा कि हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने इन विधाओं में काम किया है, जीवन लगा दिया है, उनको पहचान कर उस टास्क फोर्स का हिस्सा बना दिया जाएगा। मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी मॉडल बनाया हुआ, ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बनाई है, तो उनको रिफाइनमेंट हम उनके माध्यम से करेंगे और फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही से अनुमोदित करा के और माननीय नरेंद्र मोदी जी को उसे पार्लियामेंट में पास करना होगा, बस ये 2 ही शब्द है। अब आप मुझे बताइए, यदि ऐसा कर दिया तो आपका जो है ना ये सभी 21 महालक्ष्य और जमीन को उतर जाएंगे कि नहीं उतर जाएंगे? बिल्कुल उतर जाएंगे। अच्छा, अब क्या ये मॉडल इतना कमजोर है कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे तो ये नहीं उतरेगा जमीन पे? ये क्वेश्चन आपको हमसे पूछना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही पूछ रही हूं, क्योंकि ये बताओ, ये राजनेता जो आज की व्यवस्था में खूब दूध मलाई खा रहे हैं और जनता की त्राही त्राही मची हुई है, ये आपके हित के लिए कब रहे? इन्होंने तो आपको अच्छा नेता नहीं दिया है। बिल्कुल, इन्होंने आपको अच्छा नेता नहीं दिया है, उन्होंने जाति धर्म संप्रदाय आदि के आधार पर घटिया राजनीति के तहत जो है ना लोगों को आइडेंटिफाई किया और घटिया जो है ना नीति के तहत दारू बांटते, साड़ी बांट के, पैसे बांट के, मुर्गे बांट कर, गरीबों के वोट खरीद कर ये सत्ता में स्थापित हुए हैं और जिनके वोट से चुने गए हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये पार्टी भिप से बंधे हुए घटिया मजबूर लोग हैं। तो जिन्होंने आपको अच्छा भारत नहीं दिया, अच्छा तंत्र नहीं दिया, वो यदि आपको ये आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या आपका पूरा प्रोग्राम जो है ना ठप हो जाएगा? तो हम कह रहे हैं नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। ये क्वेश्चन आप उनसे पूछिए कि साहब यदि नेता नहीं मानेंगे तब क्या करोगे? नेता वही बात आ रही है ना, सामने ही आ रही है, घूम फिर के एक ही जगह आ रही है। अगर ये नेता नहीं माने तो क्या ये कैसे चलेगा, तो कैसे भारत बनेगा? बिल्कुल बनेगा और बड़े जोर से बनेगा। देखिए वो मैं आपको समझाता हूँ, ये 100,00,000 लोगों को जोड़ने में जिन महारथियों ने अपनी भूमिका निभाई है, आप जैसे लोगों ने, ऐसे 543 लोगों की सूची बनेगी और उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे, उनको हम चल के उनके घर पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंचा देंगे और हम 100,00,000 लोग जिन्होंने शपथ लिए कि हमें अच्छा भारत चाहिए, हम हर दिन मैथिली शरण गुप्त के डायरेक्शन में अपनी छत पे जाएंगे और रोज संकल्प लेंगे और थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे कि फलाना फलाने हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन में बटन दबाऊंगा तो बताओ इन चंद्रगुप्तों को क्या आपके दरवाजे पर वोट मांगने जाना होगा? क्या ईवीएम मशीन सही बताएगा? आप वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारे उसमें मॉडल में उसका भी उपाय है, अभी हम आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, आपको आनंद आ जाएगा, सब उपाय है, ऐसी कोई चीज नहीं इसमें। तो आगे ये भी उपाय है कि यदि ये जो चंद्रगुप्त हैं ये दुष्ट निकल जाए, केजरीवाल निकल जाए, केजरीवाल हाँ, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये हमारा मॉडल तो उसके लिए भी व्यवस्था रखे हुए है, वो कह रहा है कि हम जो है पार्लियामेंटली जो बिजनेस रूल होता है उसमें अमेंड कर देंगे, कोई भी चीज पार्लियामेंट में प्रेषित ही नहीं की जा सकती है,
पार्लियामेंट में लाने के लिए उसे तीन चरणों में निकलना होगा। तो इसमें तो ये व्यवस्था भी है कि कोई भी चीज पार्लियामेंट में तब तक नहीं जा पाएगी जब तक कि वो तीन चरणों में से नहीं निकलेगी। तो पहला चरण क्या है कि उस मॉडल को, उस टेक्नोलॉजी को और या प्रस्ताव को या एक्ट को उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो है ना 15 दिन तक लाइव टेलीकास्ट में ग्रिल करेंगे और उसके चर्निंग से जो चीज निकल के आएगी, जो उसकी मथनी से जो चीज निकल के आएगी उससे पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर वो चीज 45 दिन तक लाइव टेलीकास्ट के जरिए पब्लिक से डिस्कोर्स होगी, तब तक पब्लिक को थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी तो कम से कम वो शंका कुशंकाएं और जो भी उसके सलाह है वो दे पाएगी। तो ये दूसरी चर्निंग में जो पॉइंट आएंगे उससे सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फिर तीसरा, जो ये चंद्रगुप्त हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके होंगे, ये पार्लियामेंट के बाहर बैठकर लाइव डिस्कोर्स करेंगे 15 दिन तक और उनकी चर्निंग में जो इफेक्ट आएगा उसको तीसरा जो ना रिफाइनमेंट होगा, तब ये इन तीन रिफाइनमेंट के साथ पार्लियामेंट में पहुंचे। और चूंकि तो क्या हमारे इन चंद्रगुप्त को एक्सेप्ट करेगी भारत सरकार? भारत सरकार कौन होती है? जब उस पब्लिक ने उन्हें चुन के भेज दिया है तो भारत सरकार हम ही भारत सरकार हैं, और कौन भारत सरकार है? जब 543 के 543 चंद्रगुप्त जीत गए हैं तो सरकार किसकी होगी? क्राइम फ्री भारत की होगी। तो किस सरकार की बात कर रहे हो? हम ही सरकार है। बिल्कुल, फिर हम ही सरकार है। तो आपको बताइए महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या कोई केजरीवाल बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो इतना सस्ता सरल उपाय क्या आप लोग संकल्प लेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं।